everyone, welcome back to my channel. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो अभी हो रहा है दोपहर, दोपहर का 2 बज रहा है. अरे अभी हम अभी नहा के आए हैं और उपासना अभी घूम के आएंगे और बाबू तैयार हो गया है. बाय. ए हम घूमने जा रहे हैं. तो अभी हम लोग को जाना है घूमने क्योंकि बाबू जल्दी ही अपने घर जाने वाले हैं. तो बाबू की विदाई के पहले थोड़ा दिन तुम घुमा दिया जाए ऐसा लोग सोचे. आओ अंदर आओ. हाँ आओ. क्या कर रहे हो? उसमें अल्फाबेट ए बी सी डी क्या है? पंडित जी. पंडित जी पी पी फॉर बॉय नहीं पंडित जी. पी फॉर बॉय नहीं पंडित जी है. पी फॉर पैरेट होता है. अरे सुनो घूमने चलोगे? इधर देखो. अरे इधर देखो. माँ को जल्दी देखो. ये गंदा बच्चा है तो ये कहीं घूमने जाएगा नहीं. और अभी हम मिलते हैं रेडी होने के बाद पंडित जी. तो हम लोग अब निकल गए हैं जाने के लिए. बाबू भी मास्क लगाया आज. तो बाबू भी मास्क लगाया. मास्क लगा के कैसा लग रहा है बेटा? हाँ बहुत अच्छा. चलो चला जाए. पहुंच गए हम लोग सिटी मॉल. और ये गोरखपुर का सबसे पहला मॉल है ये सिटी मॉल. लेकिन यहाँ पे आना बहुत ही कम होता है. आई थिंक इससे पहले आज तो थर्ड बार, मतलब अभी तक जहाँ हमें याद है सिर्फ 2 बार आए हैं. आज 3 बार आए हैं. और ये मिल गया बाबू की मनपसंद चीज़. लेकिन बाबू उस पर अकेले तो बैठ नहीं सकता था वरना लुढ़क जाता. तो दीदी भी बैठ गई है बाबू के साथ. और अब बाबू बस खुश. बाबू कहीं भी जाता तो सबसे पहले उसको यही देखना है चलो कुछ मिले बच्चों के लायक. वो सोच रहा था हम लोग मेला चलेंगे. मेला जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था सिर्फ इसी कार के लिए झूले के लिए. तो अब चलते हैं अंदर की ओर. मेनली आज हम लोग यहाँ आए थे फूड कोर्ट जाने के लिए. सुने थे यहाँ का फूड कोर्ट बहुत बढ़िया है. तो अब हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट. तो ये है फूड कोर्ट यहाँ का जो कि प्रॉपर है, मतलब बड़ा है, अच्छा है. और यहाँ मीन्स जिसकी डेकोरेशन है वो बहुत ही उम्दा हुई है. ये आर्टिफिशियल फ्लावर और प्लांट्स लगा के इसकी शोभा बढ़ गई है. और हम यहाँ पे ये सोचते हुए कि चलो कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए. मेरा तो पेटेंट है डोसा खाएंगे, बाकी दीदी लोग का देखते हैं. और आगे हम ऑर्डर करने के लिए और इसका नाम है चाट का चश्का. और यहाँ पे सारे डोसा वगैरह जो भी, मतलब पाव भाजी, पानी पूरी, चाट, ये सारी चीज़ें थी. तो फाइनली अब ऑर्डर भी हम कर दिए. और ये दीदी लोग बैठ और दीदी ये आ गई ऑर्डर लेके. तो हम लोग हैं 3 लोग, तीनों बहनें और बाबू. बाबू तो सब में खाएगा. ये पानी पूरी इतनी डिलीशियस लग रही, एकदम यम. तो हम मूड में नहीं थे पानी पूरी की ऑर्डर करेंगे, ना कोई बोला था. लेकिन हम सोचे कि चलो जब इसका फ्लेवर देखे ना कि डिफरेंट इसमें पानी है, तो सोचे कि चलो इसको ऑर्डर करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है. तो अभी हम खा के बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है. और इसके साथ ही मेरा फेवरेट डोसा. डोसा तो एकदम मैंडेटरी है, हम कहीं जाएँ डोसा ना खाएँ ऐसा हो नहीं सकता. और अब दीदी गई, बाकी जो अपने लिए और दीदी के लिए जो ऑर्डर की थी वो आ गया. तो ये पानी की बॉटल और इसमें है चाट, वो कुरकुरी वाली चाट. और उधर है जलेबी है और उसके साथ राबड़ी है. ये दीदी को जलेबी राबड़ी बहुत ही खाने का मन था तो मेनली हम लोग इसी के लिए आए. ये रूफ वॉल पे जो लाइटिंग लगी है वो काफ़ी बढ़िया लगी. और फूड कोर्ट भाई बहुत बढ़िया था. और खाना भी यहाँ का जो भी हम लोग ऑर्डर किए मस्त सा टेस्ट था. तो हम लोग खा लिए और टेस्ट जैसा कि हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं बहुत ही बढ़िया था, बहुत मस्त था. मतलब कुछ भी काटने लायक नहीं. और पानी पूरी तो एकदम मस्त, एकदम लाजवाब. बाकी अब सोचे हम लोग घर चलते हैं. तो देखे कि बाबू देख लिया कार और बाबू को एकदम चस्का लग गया कि हमको कार चलानी है, कार चलानी है चलो. तो ये 1 राउंड 2 राउंड जो भी, मतलब जितना भी राउंड इसका मन करेगा उतना ही ये कार चलाएगा. और अब हम खा रहे हैं ये आइसक्रीम. वापस आ गए हम लोग घर और मज़ा बहुत आया. स्पेशली डोसा, डोसा तो हर जगह का टेस्ट ही था, वहाँ का भी था. और ये जलेबी जो खाया, जलेबी रबड़ी दीदी को खानी थी.
तो वो अपने ले ली और क्या मस्त जलेबी रबड़ी थी, बहुत ही एकदम डिलीशियस, मज़ा आ गया। और हाँ, सबसे बेस्ट हमको लगा वो पानी पूरी, डिफरेंट फ्लेवर्स था उसमें और इतना टेस्टी लग रहा था, इतना टेस्टी लग रहा था कि बोलने का कुछ हद नहीं, बहुत मज़ा आया। और क्या था, और चाट थी, चाट तो बड़ी वाली दीदी खाई थी, तो कुल मिला के टेस्ट तो भाई फूड कोर्ट का टेस्ट ऐसे भी ऑसम होता है। तुम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि फूड कोर्ट चलते, क्योंकि दीदी को जलेबी रबड़ी खानी थी, वो देखी थी तो कह रही थी कि हमको खाना है खाना है। तो फिर फाइनली हम लोग सोचे, पहली बार ये हम लोग, मतलब ये मॉल गोरखपुर में सबसे पहले खुला था सिटी मॉल, और ये फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे फूड कोर्ट, इसके मज़ा बहुत आया, टेस्ट वाइज तो बहुत ऑसम था। और बाबू, ये बाबू को झूला वूला झूलना था, झूला क्या वहाँ, एक तो वो वाला था जो जाते ही वो स्टार्ट कर दिया था, वो ट्रेन वाला छुक छुक रेलगाड़ी, और ट्रेन भी नहीं थी वो मना बनाया था, और एक वो कार वाला, लेकिन उसके बाद उसको और झूलना था, तो उसके लिए बाबू का मूड अपसेट हो गया, रो रहा था, फिर कह रहा था हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम पापा पास जाएंगे। उसको थोड़ा सा कुछ होता है तुरंत उसको पापा के पास जाना होता है। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस फूड कोर्ट का बहुत लाजवाब रहा, बहुत मज़ा आया। और हाँ, ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक तो हमें ये लगा कि हम जो होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, उतने ही खाने का यहाँ पे हम कम पैसा खर्च किए, तो हमें काफ़ी मतलब सही लगा, और टेस्ट वाइज भी बहुत औसम था, कोई भी चीज़ काटने लायक नहीं थी, तो कुल मिला के बहुत मज़ा आया। बस खाती रहती है मेरी मम्मी, मम्मी को मेरे कोई काम नहीं है। तुम भी चलो, कब चलोगी, पीछे जाओ, पीछे जाओ, फ्रेम में आओ, पीछे जाओ, फ्रेम में आओ, कब चलोगी, अभी नहीं, अभी अभी कह दो, हाँ तैयार हूँ, नहीं तैयार तो वही तुम कहो तो तैयार, बोलो मम्मी कब चलोगी, बस चलोगी, अब जब हम बोलते रह जाएंगे जाएंगी या नहीं। तुम क्या कर रही हो, कपड़ा बना रही, काना जी, काना जी का कपड़ा बना रही है, अभी जाने वाली है ना, तो सारा काम निपटा की जाएगी, ताकि इसकी थोड़ी बड़ाई हो जाए। हो गया, अपने ना खाओगी रात में खाना, बहुत खाओगी तुम तो। तो कान्हा का ड्रेस हो गया रेडी, कान्हा लग रहे हैं सुंदर सुंदर, हो गया, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम पूजा, बहुत बढ़िया काम। डिनर हो गया हमारा, और आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।